दोस्तों आज केकेआर आरसीबी का यहाँ पर विदेश शानदार मुकाबला खेला गया। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं केकेआर की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी। दोस्तों शुरुआत में यहाँ पर रेमना गुजबाज ने विदेश शानदार पारी खेली, मात्र 44 गेंदों पर 57 रन ठोकर अपनी आईपीएल की यहाँ पर पहली 50 मारी और 6 चौके और 3 छक्के शामिल थे इस पारी में। विदेश शानदार प्रदर्शन दिखाया। वही दोस्तों अंत में आकर शार्दुल ठाकुर ने भी 18 गेंद में 50 मार दी और विदेश शानदार उन्होंने भी प्रदर्शन दिखाया। दोस्तों उनके साथ ही यहाँ पर खिलाड़ी रिंकू सिंह भी विदेश शानदार बल्लेबाजी करी। रिंकू सिंह और ठाकुर के बीच यहाँ पर 7वें विकेट के लिए 50 रन की पार्टनरशिप हो गई और दोस्तों वो पार्टनरशिप बढ़कर अभी यहाँ पर 60 रन तक पहुंच चुकी है। सो बात करते हैं गुरबाज की, जिन्होंने 44 गेंदों पर 57 रन बनाए, 6 चौके और 3 छक्के के साथ 129.54 की स्ट्राइक से शानदार बल्लेबाजी करी। दोस्तों यहाँ पर कर्ण शर्मा गेंदबाजी करने, आकाश दीपले कैच लगवा, गुरबाज 57 पर आउट। जैसे वेंकटेश अय्यर यहाँ पर 7 गेंदों पर 3 रन बनाकर आउट हुए। डेड विलियर्स की आज का मुकाबला खेला तो डेड विलियर्स आती अय्यर को यहाँ पर 3 रन के स्कोर पर बोल गया। तो उसके बाद आया तीसरे नंबर पर बलदीप सिंह। बलदीप सिंह यार पहली गेंद पर सामना कर रहे थे डेड विली की, लेकिन डेड विली ने पहली गेंद पर चकमा दे दिया और बलदीप सिंह को पहली गेंद पर बोल किया। दोस्तों 2 गेंदों 2 विकेट ले थे यहाँ पर डेड विली ने और यहाँ पर हैट्रिक गेंद पर लेकर हैट्रिक हो पाई। लेकिन उसके बाद दोस्तों 14 बना नीतीश राणा कप्तान से काफी उम्मीद थी, कप्तान निराश किया। कप्तान यहाँ पर 5 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट हुआ। माइकल ब्रेस पर गेंदबाजी कर लिया और कार्तिक ने कैच लपका और नीतीश राणा कप्तान यहाँ पर 1 रन के स्कोर पर आउट हो गए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर टीम की यहाँ पर मिडिल ऑर्डर के क्या का तो पूरा तरह से यहाँ पर फ्लॉप हो गया। विली ने यहाँ पर 2 विकेट चटकाए मुकाबले में। तो यहाँ पर ब्रेसवेल और कर्ण शर्मा ने 2 विकेट ले लिए। तो उसको बात करते हैं इसके बाद 5वें नंबर रिंकू सिंह ने बड़ी शानदार पारी खेली, 20 गेंदों के अंदर 20 रन ठोक दिए, इसमें एक शानदार चौका भी जड़ा और 100 के शायद से 200 इनकी बल्लेबाजी चल रही है। ये भी अपने अच्छा तक से बेदी करीब है। मैं दोस्तों सबसे बड़े बिग हिटर जिनका आज सब नाम ले रहे थे कांद्रे रसेल, यहाँ दोस्तों आंद्रे रसेल से बेदी इस बड़े मुकाबले में यहाँ पर काफ़ी बड़ी उम्मीद थी। लेकिन दोस्तों रसेल का यहाँ पर बल्ला शानदार। दोस्तों यहाँ पर पहली गेंद खेलने आए थे कि कर्ण शर्मा ने यहाँ पर गेंद डाली और कोहली ने कैच लपक कर आंद्रे रसेल को पहली गेंद पर डक पर आउट किया और एक बेहद ही बड़ा विकेट यहाँ पर आरसीबी ने ले लिया केकेआर के खिलाफ। और यहाँ पर आंद्रे रसेल जो कि बिग हिटर थे यहाँ पर, इनसे काफ़ी उम्मीद थी, जो आज के मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए इस बड़े मुकाबले में। रसेल 0 रन के स्कोर पर आउट हुए पहली गेंद पर। उसको बात करते इसके बाद 7वें नंबर है शार्दुल ठाकुर ने भी शानदार मुकाबला खेला। ठाकुर ने यहाँ पर मैच 20 गेंदें खेली और अपने यहाँ पर आईपीएल करियर की पहली 50 भी झड़ दी। 20 गेंदों पर यहाँ पर शार्दुल ठाकुर ने 50 मारी, 51 रन बनाए और 200 अभी यहाँ पर 5 चौके और 3 छक्कों के साथ 51 रन पर यहाँ पर मौजूद है और 250 की शक्ल से 200 ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। और ठाकुर अपने स्कोर को लगातार यहाँ पर आगे बढ़ाने में लगे हुए। दोस्तों यहाँ पर ठाकुर और रिंकू सिंह ने 7वें विकेट के लिए 50,000 रन की पार्टनरशिप कर ली है और ये पार्टनरशिप 270 रन तक पहुंच चुकी है। सवाल करते हैं एक्स्ट्रा रन की, तो एक्स्ट्रा रन यहाँ पर केकेआर को मिला 18 रन, जिसमें से यहाँ पर 8 वाइड, तो 2 नो बॉल, 4 लेग बाय, 4 बाइक रन मिले। और 15.5 ओवर के अंदर अभी केकेआर की टीम ने बल्लेबाजी करते हुए 9.22 की रन रेट से अच्छी बल्लेबाजी करते हुए मात्र यहाँ पर 5 ही विकेट खोए और यहाँ पर 146 रन बना दिए, 150 का आंकड़ा पार कर दिया मात्र 90 गेंदों के अंदर। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर सुनील नारायण और ट्रेम साउदी, उमेश यादव, वरुण चक्रवर्ती, इन खिलाड़ियों को भी अभी यहाँ पर बल्लेबाजी बाकी है। लेकिन शार्दुल ठाकुर और रिंकू सिंह यहाँ पर अभी लगातार ताबड़तोड़ और शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर शार्दुल ठाकुर ने अपने आईपीएल करियर का पहला अर्धशतक मारा, तो यहाँ पर अहमदुल्ला गुरबाज ने भी अपने आईपीएल करियर का पहला शतक ठोका। दोनों खिलाड़ी बेदी शानदार खेलते हुए रिंकू सिंह भी अंत में चमके और हमने शतक के बेदी करी भी अर्धशतक है वो भी रिंकू सिंह भी। शार्दुल ठाकुर की ऐसी पारी के लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आरसीबी गेंदबाजी की, तो डेड विली ने आज का मुकाबला खेलते हुए आज पहला मुकाबला खेला 2023 का, 4 ओवर में 15 रन दिए, 1 मेडन फेंका, 2 विकेट निकाले। माइकल ब्रेसवे ने 3 ओवर में 34 रन का विकेट निकाला। वहीं कर्ण शर्मा ने भी दोस्तों 3 ओवर में 26 रन दिए और 2 विकेट निकाले। और यहाँ मोहम्मद सियार ने 2 ओवर में 19 रन दिए, विकेट नहीं मिला। आकाश ने 2 ओवर में 30 रन दिए। शाहबाज 1 ओवर 6 रन दिए। हर्ष पटेल 1 ओवर 8 रन दिए। दोस्तों ठाकुर की इसी पारी के लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप केकेआर के फैन हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शार्दुल ठाकुर के फैन हो अगर वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।